नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवीन। एक जगह है ठाकुरगंज जिसके परिवार की चर्चा इस वक्त जोरों पर है और मैं आज उस परिवार से आपको मिलाने वाला हूं, लेकिन मैं उनसे मिलवाऊं उससे पहले आपको एक हिदायत देना चाहूंगा, जरा संभल जाइए, क्योंकि इस ट्रेलर के आगे ही उन्होंने ये चेतावनी जारी की हुई है कि हम जल्द आ रहे हैं लेकिन थोड़ा संभल कर रहिएगा। आइए मिलवाते हैं आपको हमारे साथ फैमिली ऑफ ठाकुरगंज की स्टार कास्ट है, हमारे साथ जिमी शेरगिले और साथी हैं सौरभ शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ देखने पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपके पास आता हूँ, ये जो कहानियाँ आप सिलेक्ट करते हैं, आपका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, आप बहुत सादे सिंपल हम्बल इंसान हैं, लेकिन पर्दे पर आते ही दबंग हो जाते हैं और ये दबंग ही आपकी जो है ना बहुत पसंद भी करते हैं लोग। हाँ सर, ये तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक एक्टर के लिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो, आई थिंक हमारी कोशिश यही रहती है एज एन एक्टर कि कुछ भी इंटरेस्टिंग आता है, कुछ ऐसा लगता है कि ये थोड़ा लोगों को भी मज़ेदार लगने वाला है, क्योंकि हमारी दूसरी फिल्मों में थोड़ी एक्सपेरिमेंटिंग भी चलती रहती है कि इस टाइप का रोल नहीं किया है ये कर लेते हैं। फिर एक तरफ एक कुछ कमर्शियल एलिमेंट भी अलाइव रखना पड़ता है कि लोग जो है एक जो चीज़ आपकी लाइक करते हैं उस चीज़ को जो है अगर उसी चीज़ के इर्द गिर्द कोई अच्छा कैरेक्टर आता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें डायलॉग्स भी कुछ अच्छे बोलने को मिलेंगे और उसके बाद एक्शन भी है, गाने भी हैं, सब कुछ है, तो आई थिंक मज़ा आता है। ऐसी फिल्में भी करते रहना चाहिए। मेरे को लग रहा है मैंने कोई ऐसी फिल्म बड़े सालों के बाद की है जिसमें कि मुझे शौक से नहीं बट मुझे नाचना पड़ा होली के गाने में इस फिल्म में, बिकॉज वो गाना अवॉइड नहीं किया जा सकता था। वैसे काफ़ी सालों बाद सर किसी फिल्म में होली का गाना फिर से इंट्रोड्यूस हुआ, ये इसकी डिमांड थी या सोचा एक लंबा वक्त गुजर गया इसलिए डाल दिया? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो फिल्म की सिचुएशन में था ही और शुरू से ही था, स्क्रिप्ट में भी उसका एक वो था और अच्छा है। होली के गाने क्या क्या है कि हमारी फिल्मों में गाने का अपना एक महत्व है, ठीक है ना, और जिस तरह की होली अब हम देखते हैं बड़े शहरों में वो होली नहीं है जो छोटे शहरों में होती है, तो उसका जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो मिलियो का पार्ट है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी था उस फिल्म के लिए। सर, आपसे लंबे अरसे से ये सवाल पूछना चाहता था मैं कि आप फिल्म को सिलेक्ट कैसे करते हैं कि मुझे ये रोल करना है, क्योंकि हर रोल आप जब पर्दे पर आते हैं तो एक अलग छाप छोड़ के जाते हैं। इस फिल्म का ट्रेलर जैसे रिलीज हुआ है मिलियंस उसके व्यूज हो चुके हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री भी गजब की दिख रही है, आप मेरे ख्याल से बाप बेटे के किरदार में इस फिल्म में, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, बड़ा हाँ। भाई छोटा भाई, बाप बेटा, जो भी है, बट एक एक अनकहा रिश्ता है एक बहुत अच्छा। लेकिन आप ये बताइए आप अपने कैरेक्टर चूज कैसे करते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर आता है, पिछला कैरेक्टर जहन से जाता नहीं है लेकिन नया कैरेक्टर एक नई छाप छोड़ जाता है। मैं इसका कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आता है कि आप कैरेक्टर्स कैसे चूज करते हैं। मेरे ख्याल से मैं कहानी सुनता हूं और मेरे ख्याल से हर एक्टर जो है वो कहानी सुन के उसकी पॉसिबिलिटी को पहले परखता है कि कहानी में कुछ है कि नहीं है, कहा जा रहा है, फिर सेकेंडरी होता है कि आप सेकेंड स्टेप होता है कि आप अपने कैरेक्टर को देखते हैं, वो कितना एच्ड आउट है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो शेड्स हैं कि नहीं है, एक तरह का शेड है, अच्छा आदमी है तो अच्छा ही आदमी है, बुरा आदमी है तो बुरा ही आदमी है, ऐसा कैरेक्टर है या ग्रे शेड्स हैं। तो जब भी हमें कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस मिलती हैं कैरेक्टर में तो वो एक्टर्स को बहुत एक्साइट करती हैं, तो मेरे ख्याल से मैं उसी तरीके से। और फिर एक और बहुत बड़ी बात जो मैं हमेशा, ये तो एक तरीका होता है आप देखते हैं, आपको ये बहुत, मुझे मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि मैं जिन एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरे को एक्टर्स हैं, वो कौन है, उससे एक भरोसा मिलता है कि आप सेफ हैंड्स में, आपके साथ के एक्टर्स भी जो हैं वो केपेबल एक्टर्स हैं, ट्रेंड एक्टर्स हैं, अच्छे ट्रेंड से, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इंस्टीट्यूट से, तो आपका दखल रहता है आपके जो भी रोल होता है उसमें, क्योंकि आप खुद भी आप स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, आप डायरेक्शन भी करते हैं, तो आपका दखल रहता है आपके रोल को लेकर? ये थोड़ा सा ये ऐसी बात है, दखल नहीं कहते हैं इसको, एवरी एक्टर हैज समथिंग टू सजेस्ट, वो सजेस्ट करता है, क्योंकि जिस तरह से जिस पर्सपेक्टिव से वो कैरेक्टर को देखता है वो सजेस्ट करता है, देन इट इज अप टू द डायरेक्टर कि वो उसको लेना चाहता है उस तरीके से या नहीं। जिमी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि माचिस से लेके आज तक आपने कई सारे रोल किए हैं, आपने अभी रिसेंटली कई कॉमिक कैरेक्टर भी निभाए, लेकिन नेगेटिव शेड में एक हीरो, मतलब जिसका थोड़ा सा जॉनर डिफरेंट है, खड़ी बोली बोलता है, ऊंची आवाज़ बोलता है,
वो बहुत पसंद की जाती है आपके साथ। माचिस से लेके अब तक आप कितना बदलाव अपने अंदर देखते हैं? आई थिंक बदलाव तो आता ही है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, जितने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास होता है तो एक बदलाव तो आता है। मैं बहुत ज़्यादा पैरानॉइड और बहुत ज़्यादा नर्वस टाइप का और बहुत इरिटेटिंग टाइप का स्टूडेंट था उस टाइम पे, कि आई वांटेड टू नो एवरीथिंग एंड आई वांटेड टू बी वेरी 100% श्योर अबाउट एवरीथिंग एंड वट एवर। मतलब वो एक कई बार खुद को आज इफ़ यू लुक बैक ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही इरिटेटिंग होता होऊंगा उस वक्त, बट एक शांति आती है धीरे धीरे करके व्हेन यू मैच्योर विद एज एंड विद एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग फिल्म्स एंड जो भी काम आप कर रहे हो। तो आई थिंक वो एक कामनेस जो है आपके अंदर वो आ जाती है विद एज ही, और आती है और विद एक्सपीरियंस आती है, मुझे ऐसा लगता है। सर माही नहीं है आज आपके साथ, कोई खास वजह? माही इज वाज सपोज्ड टू कम इन द दिस थिंग, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट शी हैड बीन शूटिंग आई थिंक डे एंड नाइट फॉर समथिंग और वो बीमार पड़ी थी, शी हैड टू कैरी ऑन शूटिंग एंड शी कोलैप्स्ड एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई शी इज रेस्टिंग, शी इज बेटर बट शी वाज नॉट इन अ कंडीशन, मच बेटर नाउ बाय द इवनिंग बट आई थिंक काफी। चलिए अब मैं फिल्म के ऊपर आता हूँ, इस फिल्म को आपने चूज़ किया है, फिल्म जब बन रही थी, जब पहली बार स्क्रिप्ट आई थी, आपको लगा था ऐसी बन पाएगी? क्या उम्मीदों पर उतनी खरी उतरी है पहले आप? आई थिंक ये क्रेडिट जो है वो प्रोड्यूसर्स को जाना चाहिए, बिकॉज वो चाहते थे कि ऐसी एक कहानी बने मगर एक रियल उसमें बने ताकि लोग रिलेट कर सकें, मगर उसको वो एक अच्छी बड़ी पैडिंग देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि जितने टेक्नीशियंस हैं सब बड़े और सब उस टाइप के, और जो भी रिक्वायरमेंट हो फिल्म की कि अगर हमको पूरी फिल्म जो है वो रियल लोकेशन पे शूट करनी है तो वो वहीं पे शूट हो और वही सारा कुछ हो। तो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज़ टू देम, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक बड़ी तरह से एक फिल्म को, एक कहानी को दर्शाने के लिए। और आई थिंक डायरेक्टर इस फिल्म के जो हैं वो मेरे ख्याल से पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं फुल फ्लेज्ड, तो उनको कन्विंस करने में दिक्कत हुई आपको? मुझे उन्हें कन्विंस करने में या उन्हें मुझे कन्विंस, उन्हें आपको कन्विंस करने में के साथ में काम किया? नहीं, क्योंकि ये उनकी फिल्म पहली है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस से होकर गुजरे हुए हैं, तिग्मांशु के साथ थे वो बहुत लंबे समय तक, मनोज झा, और जब एक्टर के पास कोई भी डायरेक्टर जाता है तो वो जिस विजन से सुनाता है उसी से आपका असेसमेंट होता है। तो जिस तरीके से उन्होंने सुनाया था, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और वो जानते थे वो क्या बनाने जा रहे हैं, एंड या आई वॉज कन्विंस, तभी मैंने ये फिल्म की। क्राइम फैमिली ये पूरी बताई गई है, मतलब अलग ही किरदार है इसके, मैंने इसका ट्रेलर देखा, इसके अंदर स्लोगन भी अलग अलग आ रहे हैं, रफ्तार, धारदार, तलवार, ये क्या चीज़ें हैं ये, और ये फैमिली की केमिस्ट्री क्या है इसमें? देखते हैं बहू जो है वो हथियार लेके लोगों को डरा रही है, ज़मीन खाली करवा रही है, बेटा जो है वो अलग तरीके से डील कर रहा है, तो ये है क्या? ह्यूमर भी दिखाई दे रहा है इसमें, मतलब इसमें कॉमेडी भी दिखाई दे रही है क्राइम के साथ साथ। जी वो तो आई थिंक दिलीप शुक्ला जी जो राइटर हैं उनका एक अच्छा एक बैलेंस होता है फिल्म के अंदर, कि इमोशन, ड्रामा ये सब तो सॉलिड होता ही है, एक्शन, गाने, सब कुछ, बट एक ह्यूमर वो थ्रू आउट द फिल्म बरकरार रखते हैं, चाहे क्यों ना वो एक सीरियस सिचुएशन हो उसमें भी उनका ह्यूमर जो है वो हमेशा बरकरार रहता है। तो आई थिंक वो फ्लेवर तो है, वो दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ प्रॉमिसिंग यू। और अगर से पहले दबंग वगैरह भी बना, हाँ, जी, जी, लिखी है उन्होंने, तो एक उनका एक सर्टन सिनेमा है, वो इसी तरह की स्क्रिप्टिंग करते हैं और शायद पसंद भी आता है वो दर्शकों को जी। तो आपको कैसी लग रही है फिल्म, क्योंकि आजकल हिट की प्रायोरिटीज बदल गई है, लोग अलग तरीके से देखते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ 200 करोड़ देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए वो मैं तो बिजनेस तो नहीं कह सकता कि क्या है, क्योंकि वो एक अलग ही कैलकुलेशन होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोगों के लिए, मेरे लिए स्पेशली बहुत ये इंटरेस्टिंग था कि दिलीप शुक्ला जिस तरह की फिल्में करते हैं, जैसे दबंग, जिसमें एक कहना चाहिए कि एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, एक तरह का जो डायलॉग हैवी जो फिल्म होती है, जिसमें कि कहते हैं कि एक रंगबाजी होती है डायलॉग की, है ना, एक एटीट्यूड होता है डायलॉग का, वो उस तरह के डायलॉग, और जो एक्टर्स इन्होंने चुने हैं मनोज ने,
वो उस तरह के एक्टर्स हैं जो उसको बहुत रियल करेंगे. सो दैट आई थिंक वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन एंड आई होप दैट वी हैव सक्सीडेड इन इट. डेफिनेटली जिमी, आप पर्दे पे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, रियल में अलग हो जाते हैं. हालांकि आप एक्टर हैं, कहना बेकार होगा कि आप पर्दे पर जीते हैं. बाद में देखते हैं तो लगता है कि यार ये मैं ही था, मैंने कर गया, या उस कैरेक्टर से कितना अपने आप को रिलेट कर पाते हैं. नहीं, मुझे तो खैर लगता ही है क्योंकि मैं एक ही इंसान हूँ, तो मैं अगर पर्दे पर कुछ कर रहा होता हूँ. बट हाँ, कई बार मेरे को ये ज़रूर पूछा जाता है कि आप इतने सिंपल और स्मॉल टाउन के जो रोल्स होते हैं आप वो सारे क्यों करते हैं. तो मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है यार. आई थिंक स्मॉल टाउन से हम आते हैं और बड़े बड़े शहरों में भी आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोग होते हैं वो मोस्टली सब कहीं ना कहीं छोटे शहर से ही आए होते हैं और उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया होता है वहाँ पे. तो क्योंकि इसी तरीके से तो बड़े शहर बने हैं कि आसपास के छोटे कस्बों से लोग आए हैं और बड़े शहर इसी तरीके से बने हैं. तो आई थिंक एक छोटे शहर का फ्लेवर, क्योंकि हम वहाँ से हैं, आई थिंक उसको हम ज़्यादा बारीकी से अगर कभी समझ पाते हैं तो उसको निभाने की कोशिश करते हैं. और दूसरा ये है कि हाँ, कई बार ऐसा भी होता है जो मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है कि लोग जा रहे होते हैं तो अभी अगर मैं इस तरीके से अपने कपड़े पहन के जो नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट और वैसे घूमूंगा चश्मा वश्मा लगा के, तो लोग एक सेकंड के लिए देखेंगे, अरे नहीं नहीं वो थोड़े ना हो सकता है, और करके निकल जाते हैं कि अबे वो तो बहुत एकदम वैसा सा है. तो वो एक चीज़ है जो अपने कई बार बहुत फेवर में काम कर जाती है कि चलो यार वेरी स्मूथली हम निकल जाते हैं कई जगहों से. आपका किरदार कैसा है इस फिल्म में, आपके किरदार के बारे में बताइए. मेरा किरदार वही एक फैमिली है, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज. ठाकुरगंज नाम की एक जगह है और वहाँ पर ये फैमिली है जिसमें कुछ लोग बहुत लॉफुली जीना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा लॉलेस तरीके से जीते हैं. तो मेरा वो लॉलेस वाला जो है वो वैसा वाला किरदार है. बड़ा एंटरटेनिंग है, कहीं ना कहीं वेरी फ्रॉम हिज डीप डाउन इन हिज हार्ट आई थिंक एक बहुत क्लीन आदमी है लेकिन उसका ये खड़के तड़के वाला जो एटीट्यूड होता है वैसा है चीज़ों को लेके. बाकी एवरीथिंग इज़ गॉट टू डू विद ड्रामा एंड इमोशन एंड एवरीथिंग, जिसके बारे में हम ज़्यादा ना खोलें तो आई थिंक तब उस कहानी का थोड़ा और मज़ा आएगा लोगों को. जी, आप अपने इस कैरेक्टर को कैसे देखते हैं? रेट की बात करें, कल्लू मामा की बात करें या जज साहब की बात करें, तो इस कैरेक्टर को वहाँ रेट करेंगे आप? तो मैं बाकी जो कैरेक्टर्स मैंने किए हैं मैं उनसे कंपेरिजन नहीं करना चाहूँगा. ये एक नया किरदार है मेरे लिए. बहुत सिंपली जो कहानी में जो मेरा किरदार है वो सत्ता का प्रतीक है. एक बड़ा पॉलिटिशियन है, दबंगा आदमी है और पूरा लॉ उसके अंडर में है लेकिन खुद वो एक आउटलॉ है. तो उस तरह का एक कैरेक्टर है. और वो जो नन्नू जो जिमी का कैरेक्टर है उसको बहुत चाहता है, बहुत चाहता है. वो उसका प्रिय है, नन्नू उसका प्रिय है और नन्नू भी बहुत मानता है उनको. और हालांकि इनका ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी एक तरह का रिश्ता है और बहुत गहरा रिश्ता है. और बहुत सारी फोर्सेस हैं, एक बहुत अंडरकरंट है पॉलिटिक्स का जो किस तरह से चीज़ें बदलती हैं. ये उस प्रकार की कहानी है, है ना. इसमें एक्शन भी है, कॉमेडी एज अ सेपरेट ट्रैक नहीं है इसके अंदर, ये उन्हीं किरदारों के साथ चलती है. सो वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता है कि जो थोड़ा खतरनाक के साथ आती है. हाँ, जो खतरनाक जो कैरेक्टर्स हैं वो फनी भी हो सकते हैं एंड दे आर नॉट फनी फॉर देमसेल्व्स बट दे कैन बी फनी. तो सर एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप लाइफ में जो है बड़ा एक एज पे हो, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ा. आप जितने मर्जी अच्छे हो, आज आपकी बल्ले बल्ले हो रही है, एक बार आप फिसले नहीं कहीं पर आपको दुनिया छोड़ेगी नहीं. समझ रहे हैं, उस फिलोसफी पर ये पिक्चर है. बाकी सब जो है आपको मिलने वाला है अंदर मसाला, बट कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी है. ये फिलॉसफी आप मानते हैं असली ज़िंदगी में? यही तो रियलिटी है सर. आप आज सबके चहेते होंगे, आप एक दिन कुछ गलत करके देख लीजिए सर, आपको सब पता लग जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है. चलिए, आप दोनों डायलॉग डिलीवरी के बादशाह हैं एक तरीके से. मैं चाहूँगा कि इस फिल्म का एक अपना एक डायलॉग और एक आपने अभी तक अपने जो भी किरदार निभाए उसमें जो जहन में आ जाए एकदम से फ्रिक्शन से, वो अलावा
अब डायलॉग हमारे दर्शकों के लिए सुना। अरे लीजिए सर, ये अभी एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि उससे मेरे को ये जो इंसिडेंट है बड़ा अच्छे तरीके से वो आया कि अब अगर यहाँ पे वो सबसे नंबर वन हार्ट बड़े कोई सर्जन होते, अगर हार्ट सर्जन या कोई यहाँ बैठे होते तो फिर आप उनसे यही बोलते ना कि आप मतलब देश के सबसे टॉप हार्ट सर्जन है, एक करके दिखाएंगे, जरा सर्जरी एक करके दिखाएंगे सर यहाँ पर तो फिर कैसा लगता है? तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बोली थी। हो सकती यहाँ पे बट डायलॉग तो कर ही सकते हैं। हाँ डायलॉग हम तो हमने तो सर अपनी पिक्चर प्रमोट करनी है, हम तो कुछ भी करेंगे सर प्लीज। तो आप गाना गाएंगे, मैं डायलॉग बोलूंगा सर? नहीं मैं भी डायलॉग आप दोनों ही मैं डायलॉग बोल देता हूँ सर। बोला कम है याद ज़्यादा रखिएगा कि हमारी फिल्म जो है वो 19 जुलाई को रिलीज हो रही है, पूरी फैमिली के साथ जाइए और फैमिली ऑफ ठाकुरगंज देखिए सर। और देखिए जब 19 जुलाई को फिल्म देखने जाइएगा, फिर से बोलता हूँ क्योंकि कैमरा अभी अभी घूमा है, फिर से कहता हूँ कि अगर 19 जुलाई को जाइएगा तो इंटरवल में अगर जलेबी खाने का मन हो और जलेबी अगर गर्म हो तो बक्स से मत खा लीजिएगा, क्या है मुंह भी जल जाता है और स्वाद भी नहीं आता। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं आप जैसे अभी कह रहे थे कि ज़िंदगी में गलतियाँ कई मरतबा हो जाती है, कई बार गलतियाँ नहीं होती, पोर्ट्रेट वैसे हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में ही अभी एक सवाल चल रहा है कंगना रनौत को लेके, उन्होंने कहा है कुछ हो सकता है कि उनकी और पत्रकार को लेके कुछ हुई, लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों उनके साथ बार बार जुड़ जाती है? इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप ना कहना चाहें तो आप नहीं, मुझे नहीं पता। आई थिंक हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अगर वो कुछ लोग ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं, कुछ लोग कंट्रोवर्शियल नॉर्मली होते हैं। अब मुझे ये सिचुएशन पता नहीं है क्योंकि एक फ़िल्म की रिलीज़ का मामला है तो कई बार तो आदमी को ऐसा भी लगता है कि यार ये शायद पूरा रिलीज़ के लिए ही कुछ ऐसा हो रहा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एट द सेम टाइम एक और चीज़ ये है कि जो भी अनबन हुई है उसका फाइनल क्या था क्या नहीं था, हमको तो स्निपेट्स में चीज़ें पता लगती हैं कि ये हो गया, शी हैज़ बीन आस्क्ड फॉर एन अपॉलोजी, बट इतनी बड़ी क्या चीज़ है? अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो अपॉलोजी, अगर कुछ ऐसी कोई बात हुई भी है तो अपॉलोजाइज करके दोनों पार्टीज़ को मिलके, बिकॉज आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इट्स अ हैंड इन हैंड काइंड ऑफ अ थिंग, इट हैज़ टू गो, यू नो व्हाट आई मीन। सो हम एक इंडस्ट्री है, हमारे भी एक जो हमारे इंडस्ट्री के भी जो पत्रकार हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को लेके हैं, और फिल्म इंडस्ट्री ये एक फ्रिटर्निटी है विच हैज़ टू गो हैंड इन हैंड मेरे हिसाब से। तो अगर कुछ अनबन हुई है तो दे शुड सॉल्व इट आपस में। जैसे पत्रकार था उसने कुछ सवाल किया, उन्होंने आज एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसके अंदर वो उसे एंटी नेशनल कह, मतलब कौन कंगना, कि वो एंटी नेशनल है इसलिए मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। एक तो मतलब मुझे बिल्कुल मालूम भी नहीं है, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किसने क्या कहा वो कुछ समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि वो उतनी ही फुटेज है सर। हाँ वो उतनी फुटेज में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कोई कुछ बोल रहा है कि आपने मेरी पिछली फिल्म के बारे में कुछ ऐसा, उसको एंटी नेशनल बोला या फिर वो है फिर ऐसा ऐसा कुछ था, तो वो कुछ आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बी सिटिंग इन दिस सीट एंड जजिंग एनी बडी एंड ऑल दैट व्हाटएवर। और आई थिंक ये ऐसी चीजें हैं जो वही दो पार्टीज अपने हिसाब से सॉल्व कर सकती हैं। एक चीज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जनरली जेनेरिक वे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस आइडियोलॉजी से मैं बड़ा हुआ और जो मुझे समझाया गया था कि कलाकार जब आप हैं, जब आप कहानीकार हैं, जब कहानी बताते हैं, फिल्में बनाते हैं, नॉवल लिखते हैं, जो भी करते हैं, दैट एंड जर्नलिज्म, ये दोनों ही का काम जजमेंट देना नहीं होता, इनका काम होता है चीजों को सामने रखना। हम लोग लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है लेकिन फिर भी हमारा काम होता है, जर्नलिस्ट का भी यही काम होता है, कलाकारों का भी यही काम होता है कि जो जैसा है उसको सामने रखना और ये लोगों पे छोड़ना कि वो उससे एक जजमेंट ड्रॉ करें। अक्सर गलती ये हो जाती है कि हम ही जजमेंट देने लगते हैं और वहां पर थोड़ा मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। सो आई थिंक मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे कलाकार हो और चाहे जर्नलिस्ट हो, लेट्स नॉट ड्रॉ जजमेंट्स, दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। चलिए
तो दर्शकों से यही अपील है कि संभल के जाइए या कैसे भी जाइए, लेकिन जाइएगा जरूर। 19 जुलाई को फिल्म आ रही है फैमिली ऑफ ठाकुरगंज। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।